अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपा छपाई, जब लग द्वा दस पंथ मिटाई। अब परमात्मा की जो कबीर सागर में वार्ता हुई है उसमें लिखा है काल के साथ, वो दिखाते हैं। बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। यम का कष्ट सहा ना जाई, हे सतगुरु तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव भरमावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम ले हो उबारा। तब हम सत्य शब्द गौरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले ओ स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जब उनको पता चला कि हम काल के जाल में फंस गए हैं, उन जीवों को जो तपस्या पर जल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा हमें काल से छुड़वा लो। तब परमेश्वर ने क्या कहा? तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरो वचन नसाई। अब परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और इसी प्रकार प्रत्येक युग में फिर भी तपत्शिला पर उन जीवों को फिर ज्ञान देते हैं, क्योंकि पता है परमात्मा को आपत्ति में ये प्राणी मेरी बात न मान सकते हैं। और जब तक इनके झूठे रंग का रंग चढ़ा हुआ है, ये नहीं सुनते कति मेरी बात ने। इसलिए परमेश्वर ने ये कलयुग का समय चुना है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता। इंसानियत रहती है हृदय में, पिछले पुण्य इनकी बैटरी चार्ज रहती है। और कलयुग के अंदर जो ये साधना करेंगे उससे तो लाभ होने वाला है ही नहीं, और पुण्य इनके सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो चुके होंगे। और फिर ये इतने दुखी हो जाएंगे, फिर मेरी बात न मान लेंगे, परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया। तब हम कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब दोबारा परमात्मा आए फिर भी उन्होंने यही कहा, सब जीव यही कहते हैं हमें छुटवा लो परमात्मा। तो परमेश्वर ने कहा भी मेरा और इसका एक वचन हो रहा है कि उसने कहा था कि कालने के जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान समझाना इनको, और आपका ज्ञान जो समझ ले आपके अनुसार चले आपका होगा, आपकी मर्यादा में रहेगा तो मैं निकट नहीं आऊँगा। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं यदि मैं ज़बरदस्ती करूँ तो मैं चाहूँ तो एक सेकंड में सबको ले जाऊँ, लेकिन मेरा अपना वचन भंग होता है। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीड़ा सार गहो परवाना। देह धरो जो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जहाँ आसा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करो कलयुग में, और मेरा हंस मेरा भक्त दास या हम आवें, तब हमारे इस ज्ञान को सत शब्द को सत नाम को सार नाम को ग्रहण करना। और जहां आशा ता बासा हुई, अब वहां पर दुखी जीव क्या कहते हैं? कहे जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर विसरो नहीं जाना। पुरुष जान सुमरा जमराई, ही वेद पुराण कहे समझाई। अब वो तपत्शिला पर तप रहे वो प्राणी कहते हैं भगवान हमने तो काल की पूजा कर ली परमात्मा जान के। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। इन वेदों और पुराणों को समझाने के वाले जितने भी गुरुजन हैं सभी यही कहते हैं कि ये ब्रह्म ही परमात्मा है, हमने तो हे भगवान अब पता चला आपके ज्ञान से, हमने तो भगवान जान के काल को काल की पूजा कर ली इसके जाल में फंसे रहने की। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब मोहे चीन पड़ा यम फासा। अब क्या बताते हैं प्राणी के हे भगवान, हमने तो इन देवताओं ऋषियों के वचनों को सत मानकर
कि ये ब्रह्म ही परमात्मा है, हमने तो काल की पूजा कर ली, हमारी रक्षा करो भगवान। अब कहते हैं फिर कभी हमें जब मनुष्य जीवन मिलेगा हम आपके ज्ञान को स्वीकार करेंगे। अब कोई भी ना करके राजी, अब फिर काल नाते इंजेक्शन फिर लगा दिए। अब क्या बताते हैं, तो धर्मदास जी ने पूछा प्रभु से, हे परमात्मा क्या आप पहले कभी आए हो? तो परमेश्वर ने कहा कि चारों युग में आया मैं, सतयुग में सत सुकृत का टेरा और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूँ मैं तो ही, जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना, कर परिणाम तब ही पग धारा, पहुँचे जाए निरंजन दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप सीज शीश पर छाजा, आवत मिले ये काल अन्यायी, पुन तिन हम से राड़ बढ़ाई। हम दूसरी बार फिर आए, अब कलयुग में भी आए, यु काल फिर आ गया। हर बार इसने यही बकवाद करनी है, लेकिन हम वचनबद्ध हो चुके हैं, अपने उसी अनुसार हम अपना क्रिया करेंगे। अब कहते हैं मोह को देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोले उतरावा अतुरावा, जोग जीत यहां कस आओ, सो तुम हमको वचन सुनाओ। जैसे अभी आपको मौखिक सुनाया था, उसको अब वाणी के आधार से आपको सुना रहे हैं। कह हमको मारण आयो, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। वो काल कहता है जोगजीत तुम यहाँ किस लिए आया, कोई भगवान का आदेश है या मुझे तू मारण आया है? तासो कहो सुनो धर्मराई, जीव का ज संसार सिधाई, जीवन कह तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवन सतावा, पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट बाख्या। परमेश्वर कहते हैं धर्मदास जी को कि मैंने जोगजीत रूप में उठ से कहा कि तूने परमात्मा का ज्ञान तो खत्म कर दिया, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, और अपनी महिमा तेने अपने नकली दूतों से सब जगह उल्टी सुलटी वर्णन करवा दिया, ब्रह्म ही भगवान है। तपस्या पर जीव जड़ावे, जार बार निज स्वाद करावे, इस तपस्या पर भून रहा है इन प्राणियों को। तुम अस्कष्ट जीवन कह दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा के दीना, जीव चेता लोक ले जाऊं और काल कष्ट से जीव बचाऊं, ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना और लोक पठायब। अब क्या बताते हैं कि इसलिए मैं नीचे जा रहा हूं तेरे निचले लोक में, और सतनाम सच्चा नाम दे करके सबको सतलोक भेजूंगा। यह सुन काल भयंकर भय हो, हमको त्रास दिखाएन लय हो, इतना सुनकर ये काल भयंकर रूप धारण करके मुझे प्रताड़ित करने के लिए मेरी तरफ आया। और क्या कहने लगा, सत्तर सत्तर युग हम सेवा कीनी, राज पृथ्वी मोकू दीनी, पुरुष पृथ्वी मोकू दीनी, यानी 21 ब्रह्मांड का ये साजबाज परमेश्वर ने मुझे दे रखा है, और 70 और 64 युग तीन बार हमने तप कर रखा है, तब लिया ये 70 युग हम सेवा कीनी, राज बढ़ाई पुरुष मोह दीनी, फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्ट खंड पुरुष मोही दयाओ, तब तुम मार निकारा मोही, जोग जीत ना छोड़ू तो ही, कि तब तूने मुझे वहां से धक्के से मार कर निकाल दिया था, अब जोग जीत मैं तुझे गढ़ूंगा। तब हम कहो सुनो धर्मराया, इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं, हम तुम्हारे डर नहीं डराया, हम कहें तेज पुरुष बल आही, अरे काल तेरे डर से मैं नहीं डराई। परमात्मा कहते हैं मैंने उसको कहा अपने आप को छुपा करके कि मेरे पास परमात्मा की शक्ति है और तेरे से मैं डरता नहीं, कर ले अपने जो फंड तूने करने हैं। पुरुष प्रताप सुमरति ही बारा, शब्द अंग से काल ही सारा, तत्क्षण दृष्ट भई तत्क्षण दृष्टिता ही पर हेरा, श्याम ललाट भयोती केरा।
पंख घात दस होवे पखेरू ऐसे काल मही पर हेरू। पंख घात जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं। करे क्रोध कुछ नहीं बसाई तब पुन परे चरणन तले आई। जब इसकी नहीं बसाई मेरी तरफ तो मेरे चरणों में आके गिर गया। कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी करो विनती तो ही सूं जान बंधु विरोध की ना घाट भई है मोहि सूं। पुरुष सम अब तो ही मैं जानो नहीं दूजी भावना तुम बड़े सर्वज साहेब अक्षमा छतर तनावना। धर्म राय अस विनती ठानी मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी दयावंत तुम साहेब दाता एति कृपा करो हे ताता। अब वो याचना कर रहा काल परमेश्वर से। अब हम वचन तुम्हारा मानी लीजो हंसा हम सो ज्ञानी विनती एक करूं हो ताता वचन बंद मानो हमरी बाता। हे बड़े भाई तात माने बड़े भाई मेरी बात को तू मान ले और हाथ जोड़कर वचन करता हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब संसार गवन तुम कीजे। हे प्रभु ऐसा वचन मुझे दे दो फिर तुम चले जाना। जब परमात्मा ने कह दिया कि ठीक है तथास्तु फिर क्या कहता है चापलूस यूं कह जी वो जो नाम है ना नाम दोगे नीचे सतनाम है वो मुझे बता दो और जिसके पास ये नाम होगा ना फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। परमात्मा बोले ऐसा बालक मत समझे मुझे मैं तेरी सारी चाल समझता हूँ अगर मैं तुझे ये नाम बता दूंगा तो अपने दूतान बता देगा कि ये नाम दे दिया करियो। उनसे लाभ तो होना नहीं लेकिन ज्ञान में भिन्नता ना होने से जीव फंसे रह जाएंगे मेरे। और तू क्या कहता है कि जिसके पास ये नाम देख लूंगा मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा। मेरे नाम में परमात्मा कहते हैं इस सतनाम में इतनी शक्ति है जिसके पास ये मंत्र होगा तो निकट जाकर दिखा देना मेरा जब देखूंगा तुझे कैसा बलवान है तू। ये इस मंत्र में अपने आप इतनी शक्ति है तो उसके निकट जा ही नहीं सकेगा और बता दूंगा तू सारे इसको भांडा फोड़ देगा। पिछली पीढ़ी में ये तेरा जाल कैसे पर्दाफाश होगा अब हो गया इसका पर्दाफाश सारा। परमात्मा ने ये वहाँ से सुनियोजित तरीके से अभी तक छुपा रखा। अब परमात्मा कहते हैं धर्म राय तो प्रगट बाखा और गुप्त अंक बीड़ा हम राख्या और जो कोई लेवे नाम हमारा उसको छोड़ तू हो जिए नारा। स्पष्ट हिदायत दे दी कि जिसने मेरा नाम ले लिया उसको उसे दूर हो जाना उसको परेशान नहीं करना। जो तुम हंस को रोको जाई तो काल तुम रण नहीं पाई। जब तूने मेरे भगत को मेरे हंस को रोकने की चेष्टा की तू तेरे को यहाँ रण नहीं दूंगा तेरी वो हालत करूंगा याद रखेगा तू। जो तुम हंस रोको जाई तो तुम काल रण नहीं पाई। अब क्या कहता है काल के बेशक जाओ ए साहेब तुम पंथ चलाओ जीव उभार लोक ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ जीवन ले सतलोक पठाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ना बतावे नाम कहते तेरा नाम कबीर कबीर भगवान कबीर साहब कर कह तेरे बारह पंथ चला दूंगा नकली आपके आपके पंथों में गड़बड़ कर दूंगा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगट जाई पीछे अंश तुम्हारा आई। कितनी चाल सुनियोजित तरीका अपना रखा काल ने। कहता मैं बारह दूत अपने भेजूंगा इसने केक रखा है। पुणात्मा इस काल के जाल को अपने समझना पड़ेगा। जिस तरह हम रामायण का घोटाला रहे थे अभी तक 100 बार सुन रखी 1000 बार सुनने दिल करता था ऐसे इस परमात्मा के तत्व ज्ञान को इस कहानी को बार बार समझना होगा तब आपका हृदय रुकेगा। जैसे पिछली पीढ़ी आ गई कलयुग की और जितनी भी पुण्यात्मा अब शरण में आएंगी लाखों करोड़ों की संख्या में आएंगी यहाँ पर जो सच्ची श्रद्धा से आखिरी श्वास तक लगे रहे राम नाम रटते रहो
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे कदे तो दीन।